अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक साबुत मुर्गी ले लिया है और सबसे पहले हम चिकन का कोरमा बना लेते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। मैंने 3 बड़ी अदद प्याज लिया और उसको इस तरह काट लिया। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। अब मैं इसे इतना फ्राई करूंगी कि ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाए। देखिए प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इसमें से आधा मैं कोरमे में डालूंगी और आधा तह में डालूंगी प्याज को। आधा कप मैंने तेल लिया है, वही तेल लिया है जिससे मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब मैं 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसका खट्टापन दूर करूंगी। और साथ में ये प्याज जो मैंने अभी फ्राई किया था ये डाल दूंगी। आधा इसमें डालूंगी, आधा तेल में डालूंगी। और साथ में मैंने 4 टमाटर ले लिया और इसको इस तरह काट लिया। ये डाल, छह अदद मैंने हरी मिर्च लिया और उसको पीस लिया। 1 चम्मच लाल मिर्च भर के लिया और 2 चम्मच भर के मैंने धनिया लिया, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच भर के लिया, जायफल और जावित्री मैंने दोनों मिला के पीसा और 1/2 चम्मच ले लिया, बिरयानी मसाला मैंने 3 चम्मच लिया। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से गलाते हुए इसे इतना भूनूंगी कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाला ना लगे और हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। देखिए प्याज और सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें मैं गोल डाल दूंगी। 1 पूरी साबुत मुर्गी है। अब मैं इसे इतना फ्राई करूंगी कि ताकि इस मुर्गी का कलर बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज हो जाए। उस वक्त तक मैं इसे भूनूंगी और तेज आंच में भूनूंगी, क्योंकि चिकन में थोड़ी सी घी होती है तो वो भूनने से खत्म हो जाएगी। तेज आंच में ही भूनने, वरना चिकन अपना पानी छोड़ देता है तो हीक आने लगती है। तो इसे हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि हमारे चिकन का कलर वाइट ना हो जाए तेज आंच में। देखिए चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें 1/2 किलो आलू जो कि मैंने पहले से उबाल रखा है ये डाल दूंगी और साथ में हम डालेंगे 1 कप दही। और 4 चम्मच मैं सिरका डाल रही हूँ, 10 दाना आलू बुखारे के, नमक हसबे जरूरत और जर्दे का रंग मैंने 1/2 चम्मच लिया है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से चलाऊंगी। चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा,
और इसको ढक के हल्की आंच में पकाएंगे इतना कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से हल्की आंच में पकाया है। अब गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए गल गया है। अब मैं इसे साइड पे रखती हूँ और चावल पकाती हूँ। पानी मैंने खोलने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 3 तेज पत्ता और 5 पनफूल, बड़ी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद और छोटी इलायची भी 4 अदद, 1 चमचा काली मिर्च, 1 चमचा जीरा और दालचीनी का 1 टुकड़ा ये डाल रही हूँ। और नमक हसबे जरूरत, नमक इसमें जरा चावल में ज्यादा ही रखिएगा। और 2 चमचा तेल। अब हम पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। पानी अच्छी तरह से खोल गया है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। मैंने चावल जो है वो 5 गिलास लिया है और इसको पकाने से आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था। अब इनको मैं अच्छी तरह से चला लूंगी और चलाने के बाद दरमियानी आंच में हम इस चावल को पकाएंगे। अब देखिए हमें आधे चावल को 80% गलाना है तो ये 80% गल गया, इसलिए मैं ये आधा निकाल लूंगी। अब बाकी को मैं पूरा फुल डन कर लूंगी। चावल को आधे चावल को मैंने 80% गलाया था तो निकाल लिया था, अब इनको पूरा फुल डन कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फुल डन हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। अब हम इसमें तह लगाएंगे तो सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे। ये 2 टमाटर इसको काट के डाला मैंने और 2 नींबू उसे भी इस तरह काट लिया और मोटी मिर्च तो आपकी मर्जी है जितना आप डालें और आधी गड्डी पुदीना। और साथ में तली हुई प्याज मैंने आधा कोरमे में डाला था आधा तह में डाला और पुदीना आधी गड्डी पुदीना। अब 80% जो मैंने चावल गलाया था वो अब मैं इसमें डाल दूंगी। और फुल चावल बनाया था वो उसके ऊपर डाल दूंगी। उसके ऊपर जो चावल मैंने चावल का थोड़ा सा पानी बचाया था ये ऊपर तह में डाल दूंगी, ऊपर से थोड़ा सा चावल का पानी और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालूंगी और थोड़ा सा ऊपर से और इसे हम दरमियानी आंच में 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गरम गरम चावल है तो तेज आंच में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल गरम दरमियानी आंच में हम 15 मिनट रखेंगे तो खुद अच्छी तरह से दम आ जाएगा। 15 मिनट हो गया है अब इसे दम पे रखे हुए। अब अच्छी तरह से देखिए दम हो गया, ये चावल भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब देखती हूँ, ये देखिए ये गोश है और ये आलू है।
अभी से ठंडा होने दूंगी और डिश आउट करूंगी। चिकन बिरयानी बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएंगे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।